थोड़ी सी बड़ी बड़ी फील्स है वो दूर दूर आना था। अगर आप फील्स को छोटा कर लोगे तो वो इस तरह से पास पास में आने लगेंगे, आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्रिएट में जाना है, फॉर्म विजार्ड पे जाना है। यहाँ पे अभी हम इन सभी को क्लोज कर देते हैं क्योंकि अपन यहाँ से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से फिर से जा रहे हैं फॉर्म विजार्ड पर। ठीक है, तो आपको जो भी टेबल लेनी है उसके पूरे जो भी है अपन यहाँ से एक हटा देते हैं, ये बर्ड जो लिया था ना ये हटा देते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्पेस लेता है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, टेबुलर आ गया समझ में। अब इसके बाद है डेटा शीट, डेटा शीट सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। आपको यहाँ से हम लिख देते हैं डेटा शीट और आप यहाँ से फिनिश करेंगे, तो ये आपको इस तरह से शो होगा जैसे आपकी नॉर्मल टेबल शो होती है उसी तरह से शो होगा। लेकिन इसमें जो फील्ड आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ वो फील्ड शो होंगी, बाकी जो फील्ड अपन ने सेलेक्ट नहीं की वो फील्ड यहाँ पर आपको शो नहीं होंगी। ठीक है, और बाकी आपको नॉर्मल टेबल की तरह दिखेगा। आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसका डिजाइन व्यू में जाकर आप इसका जो भी डिजाइन चेंज करनी है, मतलब छोटा बड़ा करनी है इसकी फील्ड साइज वगैरह, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम राइट क्लिक कर रहे हैं, इसको भी कुछ नहीं कर रहे, क्रिएट पर जा रहे हैं, फॉर्म विजार्ड पर जा रहे हैं। आपको इसमें जो भी फील्ड्स लेनी है वो आप यहाँ से ले लेंगे। हम ये बर्ड वाली हटाएंगे तो नेक्स्ट करेंगे, जस्टिफाई और नेक्स्ट और यहाँ से फिनिश। और यहाँ से हम कर देंगे फिनिश पर, तो ये जस्टिफाइड में कुछ इस तरह से आएंगे, जस्टिफाई होकर, मतलब जैसे अपन एमएस वर्ड में एक्सेल में करते हैं जस्टिफाई कर देते हैं, सभी लाइंस बराबर हो जाती है इसमें, तो ये सभी जो कॉलम्स आएंगे आपके सामने सब बराबर आएंगे। फिर बाद में आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्म डिजाइन व्यू में जाकर इसकी डिजाइनिंग वगैरह आपको कम ज्यादा करनी है, छोटी बड़ी करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अपन ने जो फॉर्म पढ़ा था